अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक फेस पैक मैं शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आपकी एक्नी और पिंपल्स ख़त्म हो जाएंगे। उनके जो निशानात आपके चेहरे पर रह जाते हैं वो भी बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और एंड तक आपने वीडियो को लास्ट भी देखना है। चलें जी, अपनी रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने एक क्लीन बाउल ले लेना है, जिसमें आपने बनाना है जी अपना फेस पैक। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो इसमें होगा जी ऑर्गेनिक नीम लीव्स। ये मैंने दराज से परचेज़ किए थे, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नीम लीव्स आपके एक्ने और पिंपल्स को रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। एक चम्मच भर के मैं इसके अंदर ले रही हूँ नीम लीव्स। सेकेंड इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर मैं डाल रही हूँ वो है एक चम्मच भर के जी, वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन पे ग्लो लेकर आती है, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट्स देती है। उसके बाद जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ वो है जी रोज़ पाउडर, हाफ टी स्पून डालूंगी। ये भी आपके एक्नी स्कार्स को कम करती है और आपके पिंपल्स वगैरह को ख़त्म करती है। बेस्ट है, तमाम नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स हैं और इनके अमेजिंग रिज़ल्ट है। उसके बाद जी मैं इसमें डाल रही हूँ मिल्क। मिल्क मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, आप इसके अंदर रोज़ वाटर भी डाल सकते हैं, आप इसे खाली पानी से भी बना सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से इस पेस्ट को मिक्स करना है। जितना अच्छा ये फेस पैक मिक्स होगा उतने अच्छे और अमेजिंग रिजल्ट हम लोग को मिलेंगे। फेस पैक रेडी करने के बाद आपने क्या करना है, इस फेस पैक को आपने अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर लेना है। ब्रश की मदद से, हाथों की मदद से आपने अच्छे तरीके से इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। एटलीस्ट आपने इसे अपने फेस पे 20 मिनट रखना है। 20 मिनट के बाद आपने अपने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कर लेना है और एक अपना अच्छा जो फेवरेट मॉइस्चराइज़र है वो यूज़ करना है। और इस जो फेस पैक को आप अगर बेहतरीन रिज़ल्ट चाहती हैं तो हफ्ते में 2 दफ़ा तो लाजमी इसको अप्लाई करें। और अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई हो तो प्लीज़ जाते जाते वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह मैं अमेजिंग और हेल्पफुल वीडियोज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।